नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप डॉट कॉम। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, चौथा वनडे, जगह हैमिल्टन और टीम इंडिया ने अपने फैंस को सुबह सुबह चांद तारे दिखा दिए हैं। बता दिया कि टीम अगर अपने में आ जाए तो तू चल मैं आया के मामले में हमें कोई पिछाड़ नहीं सकता। फिर लोड भी किस बात का, सीरीज तो जीत ही चुके हैं और वो सुदैव कुटुंबकम की जिम्मेदारी भी तो हमें निभानी थी, मतलब न्यूजीलैंड में जाके उनकी टीम को भी तो जिताने का मौका देना था, खुशियां बांटनी थी, इसीलिए तो सब इतनी जल्दी आउट हो गए, वरना तो 350 बनना तय था। पर ये विश्व की भलाई के अलावा और क्या कारण रहे इस महान स्कोर और हार के लिए, वो समझते हैं। पहला कारण रहा स्वयं विराट कोहली। ये तो ऐसा कारण है जो हर क्रिकेट फैन के मन में चल ही रहा होगा, विराट कोहली का नहीं खेलना। खुद विराट कोहली के मन में भी ये आ गया होगा। विराट छुट्टी पर गए हैं, पर ये हार देखकर उनकी छुट्टी कैसे मनेगी ये तो भैया वही जानते होंगे। फर्स्ट डाउन पर उनकी जगह आए नए नवेले शुभमन गिल भी क्या ही करते, जब सारे सीनियर्स ही गजब ढाए थे। मतलब हाल कुछ वैसा ही दिखा जैसे पहले टीम सचिन के भरोसे थी और अब कोहली के, जो कि अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, खासकर जब वर्ल्ड कप एकदम खोपड़ी पर है। दूसरी वजह रही खराब शॉट्स। चलिए मान लिया कि विराट कोहली नहीं थे, मगर रोहित शर्मा, रायडू, जाधव, कार्तिक जैसे कई मैच जिताऊ बल्लेबाज तो थे, पर सभी के सभी खराब शॉट्स खेलकर आउट हुए। अपना 200वां वनडे खेल रहे रोहित शर्मा ने इसकी शुरुआत की, कॉट एंड बोल्ड हुए, बोल्ड की गेंद पर, वो इसलिए क्योंकि वो कंफ्यूज थे कि शॉट खेले या नहीं। फिर रायडू को दो विकेट गिर जाने के बाद ना जाने किसने कहा था बड़ा शॉट खेलने के लिए, वो ग्रैंड होम की गेंद पर जबरन कैच दे दिए। कार्तिक का भी यही हाल रहा, वो बाहर जाती गेंद पर बल्ला छुआ दिए। शुभमन ने भी रोहित वाली गलती दोहराई, हालांकि उनका ये पहला मैच था इसलिए जनता उन्हें माफ कर देगी, पर बाकी सीनियर्स ने जिस तरह खराब शॉट खेल विकेट गंवाए वो अच्छी बात नहीं है। तीसरी वजह रही वही फिसड्डी मिडिल ऑर्डर। माने सबसे बड़ी चिंता यही है, मिडिल ऑर्डर का चक्कर, जो कि इस मैच में भी जारी रहा। सुनील गावस्कर ने इस मैच के पहले कहा था कि वो तीसरे नंबर पर रायडू को भेजना चाहेंगे, ना कि शुभमन गिल को, पर इससे कितना ही अंतर पड़ा ये सबने देखा। ना रायडू चले, ना कार्तिक और ना ही जाधव। मतलब जिस मिडिल ऑर्डर का काम होता है टीम को संभालना, वो खुद को ही नहीं संभाल सके। किसी ने भी जिम्मेदारी वाली पारी नहीं खेली, सबको चौके छक्के लगाने का शौक चढ़ा था, नतीजा सामने है। चौथी वजह थी बोल्ट एक्सप्रेस, मतलब दुनिया ने एक बोल्ट को उड़ते हुए देखा है, हवा से बातें करते हुए। इस मैच में दूसरे बोल्ट की गेंदों को उड़ते हुए देखा और टीम इंडिया के डंडे उड़ाते हुए देखा। ट्रेंट बोल्ट, क्या गेंदें डाली है बंदे ने, गजब का फंसाया है टीम इंडिया को। 10 ओवर में 21 रन देकर 5 विकेट लिए, उसमें भी 4 मैडन ओवर। विकेट भी रोहित शर्मा, धवन, गिल, जाधव और पंड्या जैसे धाकड़ बल्लेबाजों के लिए। यहाँ सबक ये है कि हर विरोधी टीम में कोई ना कोई धाकड़ गेंदबाज होता है, ऐसे में उस गेंदबाज के ओवर काट लो, बाकी घोड़ाओ। टीम इंडिया ये पॉलिसी शायद इस मैच में भूल गई थी। पांचवी वजह रही महेंद्र सिंह धोनी। सबसे ज्यादा आम जनता ने प्रचंड फॉर्म में चल रहे MS धोनी को ही मिस किया होगा, क्योंकि जिस हालत में टीम इंडिया थी उससे सिर्फ धोनी ही बचा सकते थे। उनका टुकुर टुकुर वाला अवतार आज सबको बहुत याद आ रहा होगा। वैसे भले लोग बोले कि धोनी मार नहीं रहा, मगर इस मैच में उनको वही ना मारने वाला और विकेट पर जमे रहने वाला धोनी याद आ रहा था। खैर, इसी बहाने बहुतों को ये समझ आ गया होगा कि वर्ल्ड कप के लिए धोनी क्यों ज़रूरी है। छठी वजह रही भारत का कमज़ोर पेस अटैक, क्योंकि ये पिच पेसर्स को मदद कर रही थी। पिच में स्पीड और स्विंग सारा मसाला था, पर इसका फ़ायदा सिर्फ थोड़ा सा भुवनेश्वर ही उठा सके। मोहम्मद शमी को आराम देना टीम पर बहुत भारी पड़ा। बुमराह तो पहले ही चोटिल चल रहे हैं, साफ है कि टीम ने मैच को हल्के में ले लिया और जम के प्रयोग किए जो टीम पर भारी पड़े, इसीलिए न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से मैच जीत लिया 212 गेंदें बची रहते हुए। और इससे एक खराब रिकॉर्ड भी बन गया कि टीम इंडिया की गेंदें बची रहते हुए सबसे बड़ी हार हो गई है। आप भी सोच रहे होंगे बहुत ज्ञान दे दिया टीम इंडिया को, अब क्या करें, अपने देश में क्रिकेट पर हर किसी के पास ज्ञान की गंगा जो बह रही है। पक्की बात है आप भी एक आध हार की वजह सोच के बैठे होंगे जो हमने नहीं बताई, तो वो ज्ञान अपना कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तुम्हारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर है, उसे डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर डाउनलोड कीजिए। शुक्रिया।